हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में उतरे सैकड़ों युवा। केंद्र सरकार की दो दिन पहले लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम का विरोध देश के कई इलाकों में जारी है। सरहदी बाड़मेर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं में भारी रोष है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रालोपा के आह्वान पर युवा सड़कों पर उतर गए। जिला परिषद सदस्य उम्मेद राम बेनीवाल के नेतृत्व में युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस योजना को लागू नहीं करने की मांग की। अपने प्रदर्शन के दौरान पुलिस से युवाओं की कई बार तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया। एक तरफ जहां बाड़मेर जिला मुख्यालय के महावीर पार्क में इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय पर रालोपा के इस प्रदर्शन के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर कार्यालय पुलिस छावनी में बदला हुआ नजर आया। बाड़मेर में रालोपा के प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रालोपा नेता उम्मेद राम बेनीवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र बीजेपी सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। उन्होंने कहा कि योजना की घोषणा से पहले कोई गंभीर सोच विचार नहीं किया गया है। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 वर्षीय नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत है। वहीं युवाओं ने केंद्र सरकार की इस स्कीम को तुरंत वापस लेने की मांग की है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।